कोरोना वैक्सीन के खिलाफ यदि अफवाह फैलाई तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सभी अपने देश के स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की जरूरत है। सभी देशवासी स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आओ चले नई दिशा नई उमंग के साथ। मैं सोते जागते देश की तरक्की के बारे में सोचता हूँ। क्या आप भी देश की शक्तिशाली मजबूती के साथ चलना चाहते हैं? तो आइए देश के फौजियों को नमन सलूट अभिनंदन करते हैं, या देश के रक्षा सुरक्षा करने वाले फौजियों को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बसंत पंचमी का मौसम चल रहा है, अब ठंड से हम गर्म का जो है ऋतुवा देख रहे हैं, ऋतु देख रहे हैं। समय अनुसार मौसम बदलता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और समय के अनुसार आप सभी को हेल्थी होने की ज़रूरत है और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम खान पान को लेकर और अपने गाड़ियों को लेकर आज हम सतर्क करेंगे, आपको बताएंगे इसकी अच्छाई और बुराई और इसकी जो है खास वजह क्या है। जिस तरह से आप मौसम के साथ साथ आपको भी बदलने की ज़रूरत होती है, चाहे खान पान को लेकर हो, चाहे गाड़ी पर अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो उसे भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं। अब हम ठंड से गर्म की तरफ आगे बढ़ते हुए आज हम तलाश रहे हैं। मौसम की अंगड़ाई अब लेने लगी है। इसी मौसम परिवर्तन पर कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। हल्के फुल्के बुखार, जुखाम, सिर दर्द और शरीर दर्द भी अब नज़र आ रहा, देखने को मिल रही है। सभी देशवासियों को खुद इन सब पर, अपने शरीर पर स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता जरूर रखें, तभी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस परिवर्तन मौसम में सभी व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। वहीं पर जीवन की दौड़ में अपने गाड़ी वाहन चलाते वक्त भी सतर्कता बरतनी चाहिए। आजकल गर्मियां शुरू होने वाली है और आपको बता दूं कि यह मौसम का जो मिजाज आप देख रहे हैं, होली का भी तैयारियां जोर शोर से लोग करने लगे हैं। मौसम बदल रहा है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, दिन रात की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होने लगा है। ऐसे में मौसम की मिजाज देखा जाए तो अब अपने आप को संभालने की ज़रूरत है और गाड़ी वाहन को भी संभालने की ज़रूरत है। तो मौसम के अपने वाहन को ख़ास तौर पर, कार, अनेक गाड़ियां आपके पास हैं तो उसे भी आप सतर्कता बरतें। सतर्कता मतलब कि आप जो है फुल पेट्रोल डीजल या ईंधन ना भराएं, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस पर जो है एयर भरता है और एयर के साथ साथ जब आपका फुल टंकी भरा रहेगा तो वो फट भी सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस गर्मी में हर चीज़ जो पैरामीटर होता है वो सब चेंज हो जाता है। इसलिए आप अपनी गाड़ी सावधानीपूर्वक चलाएं और चलाने के अनुसार आप ज़्यादा रफ्तार में न चलाएं और अपने टंकी को फुल न भरें। या सबसे बड़ा आपको बताना चाहता हूँ, इस गर्मी की मौसम से जैसे ही स्वास्थ्य की रूपरेखा बदलती है, मौसम बदलती है, उसी अनुसार सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, चाहे आदमी के हों और चाहे जो है चलने वाले गाड़ी वाहन और हमारे इंजन पार्ट की है। तो सभी लोगों से आपसे अनुरोध है कि गर्मी में जब इंजन गर्म हो जाता है, आप समझते ही हैं, और वहीं पर परिवर्तन के साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग होते हैं लॉन्ग रूट पर जाना होता है तो फुल टंकी भरा लेते हैं, तो वह गलत है, क्योंकि वह जब गाड़ी तेज़ी के साथ चलते हैं और तो उसमें एयर भर जाता है और वो टंकी जो है ध्वस्त हो जाती है। इसलिए पैरामीटर को चेंज करने के लिए हम सबको ही सबसे बड़ा जागरूकता की ज़रूरत है। आइए हम सभी देशवासियों मिलकर गर्मी के इस मौसम को वाहन को तेज गति से ना चलाएं और फुल पेट्रोल डीजल न भराएं, और अपने स्वास्थ्य और वाहन के बारे में हमेशा सफ़र में सावधानी से चलाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। और चलते चलते आपको जागरूक करना चाहता हूं, सबसे ज़रूरी बात आप सुनिए। आइए देखते हैं राजेश गुप्ता जी, जो रिटायर्ड फौजी हैं, समाज को कुछ सुधारना चाहते हैं, आपको कुछ जागरूक करना चाहते हैं स्वास्थ्य और वाहन के प्रति। खास रिपोर्ट आप देखिए, राजेश गुप्ता जी रिटायर्ड फौजी के साथ एक रिपोर्ट।
गर्मी आई, अरे गर्मी है, बहुत गर्मी है, और गर्मी का मौसम आ रहा है भाई जो है, अब गर्मी आ गई है, क्या करें, गर्मी आ गई, गर्मी 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 आ गई। और इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग जो है क्या क्या नहीं कर डालते। अगर हम सफ़र में चल रहे हैं तो गाड़ियों के एसी भी चला देते हैं, गाड़ियों को फुल स्पीड से भी चलाते हैं, और गाड़ियों में पेट्रोल भी पूरा भर लेते हैं टंकी में, जिससे कि हमें कहीं रुकना ना पड़े। मगर सावधान होशियार, गर्मी में ख़ास तौर से जब हमारी गाड़ियां चलती हैं रोड पर, उस समय कभी भी फ्यूल टैंक को पूरा नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि फ्यूल टैंक में जब हम फ्यूल डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में जब गाड़ी चलती है तो उसको कुछ गैस जो बनती है, उस गैस के लिए, एयर के लिए कुछ जगह चाहिए। अगर उस जगह को हम अगर अपने फ्यूल से भर देंगे, अगर हम उसको गैसोलीन या डीजल से भर देंगे, तो वो हवा नहीं मिलेगी, वो एयर नहीं मिलेगी, और वो टंकी कभी कभी प्रेशराइज्ड होकर कभी कभी वो फट जाती है या इस तरह की दुर्घटना कर देती है। इसलिए जब भी आप टंकी को भरवाएं तो गर्मियों में फुल ना करें, कुछ ऐसा छोड़ कर रखें कि जो हमारे उसके अंदर एयर है उसके लिए एक वॉल्यूम रहे, एक जो है जगह रहे, जिससे कि हमारी सुरक्षा बनी रहे। दूसरी चीज़ है कि जब हम चलते हैं गर्मी में तो हमारा पानी गाड़ी का जो है वो भी देख लीजिए कि बाकायदा हमारा कूलेंट वगैरह सही है कि नहीं, हमारे ब्रेक ऑयल सही हैं कि नहीं, हमारा इंजन ऑयल सही है कि नहीं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इन सब का जो है खपत बढ़ जाती है। इसलिए इसके प्रति भी सजग रह के गाड़ी को लेकर चलना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे टायर्स हैं उनका भी एयर प्रेशर उतना ही रखिए जितना रिकमेंडेड है, और ऐसी जगह से एयर भरवाइए जिनका मीटर या जिनका जो आपका मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है सही है। ज़्यादा अगर आपने हवा भरवा दी तो आगे चलकर जब रोड से फ्रिक्शन होता है तो उससे एयर प्रेशर बढ़कर कोई भी दुर्घटना बड़ी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि घटना तो छोटी सी मानी जाती है मगर उसका रिजल्ट आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ही फैटल हो जाता है, विशाल हो जाता है। इसलिए इस गर्मियों में आप लुत्फ़ उठाइए गर्मियों का, आप लुत्फ़ उठाइए एसी का, मगर सबसे ज़्यादा सावधानी और होशियारी के साथ यात्रा करें, और अपने वाहन में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से चेकअप करके और उसको इंश्योर करके निकलें, जिससे कि हमारी यात्रा सुखद हो और हमारा वाहन और जो उसमें यात्री बैठे हैं वो, और जो यात्री सड़क से निकल रहे हैं वो, सभी सुरक्षित रहें, सबका जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का जो एक मकसद है पूरा हो। इसलिए हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि गर्मियों में सजग रहें, सतर्क रहें, और गर्मी का आनंद उठाएँ, कुल्फी खाएँ, ठंडा खाएँ, और आराम से चलें, मगर सावधान होशियार इन सब चीज़ों के साथ ध्यान में रखकर। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, एसीसी स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। गर्मी आई, अरे गर्मी है, बहुत गर्मी है, और गर्मी का मौसम आ रहा है भाई जो है, अब गर्मी आ गई है, क्या करें, गर्मी आ गई, गर्मी 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 आ गई। और इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग जो है क्या क्या नहीं कर डालते। अगर हम सफ़र में चल रहे हैं तो गाड़ियों के एसी भी चला देते हैं, गाड़ियों को फुल स्पीड से भी चलाते हैं, और गाड़ियों में पेट्रोल भी पूरा भर लेते हैं टंकी में, जिससे कि हमें कहीं रुकना ना पड़े। मगर सावधान होशियार, गर्मी में ख़ास तौर से जब हमारी गाड़ियां चलती हैं रोड पर, उस समय कभी भी फ्यूल टैंक को पूरा नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि फ्यूल टैंक में जब हम फ्यूल डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में जब गाड़ी चलती है तो उसको कुछ गैस जो बनती है, उस गैस के लिए, एयर के लिए कुछ जगह चाहिए। अगर उस जगह को हम अगर अपने फ्यूल से भर देंगे, अगर हम उसको गैसोलीन या डीजल से भर देंगे, तो वो हवा नहीं मिलेगी, वो एयर नहीं मिलेगी, और वो टंकी कभी कभी प्रेशराइज्ड होकर कभी कभी वो फट जाती है या इस तरह की दुर्घटना कर देती है। इसलिए जब भी आप टंकी को भरवाएं तो गर्मियों में फुल ना करें, कुछ ऐसा छोड़ कर रखें कि जो हमारे उसके अंदर
एयर है उसके लिए एक वॉल्यूम रहे, एक जो है जगह रहे, जिससे कि हमारी सुरक्षा बनी रहे। दूसरी चीज़ है कि जब हम चलते हैं गर्मी में तो हमारा पानी गाड़ी का जो है वो भी देख लीजिए कि बाकायदा हमारा कूलेंट वगैरह सही है कि नहीं, हमारे ब्रेक वाइज सही हैं कि नहीं, हमारा इंजन वाइज सही है कि नहीं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इन सब का जो है खपत बढ़ जाती है, इसलिए इसके प्रति भी सजग रह के गाड़ी को लेकर चलना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे टायर्स हैं उनका भी एयर प्रेशर उतना ही रखिए जितना रिकमेंडेड है, और ऐसी जगह से एयर भरवाइए जिनका मीटर या जिनका जो आपका मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है सही है। ज़्यादा अगर आपने हवा भरवा दी तो आगे चलकर जब रोड से फ्रिक्शन होता है तो उससे एयर प्रेशर बढ़कर कोई भी दुर्घटना बड़ी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि घटना तो छोटी सी मानी जाती है मगर उसका रिजल्ट आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ही फैटल हो जाता है, विशाल हो जाता है। इसलिए इस गर्मियों में आप लुत्फ़ उठाइए गर्मियों का, आप लुत्फ़ उठाइए एसी का, मगर सबसे ज़्यादा सावधानी और होशियारी के साथ यात्रा करें और अपने वाहन में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से चेकअप करके और उसको इंश्योर करके निकलें, जिससे कि हमारी यात्रा सुखद हो और हमारा वाहन और जो उसमें यात्री बैठे हैं वो और जो यात्री सड़क से निकल रहे हैं वो सभी सुरक्षित रहें, सबका जो है अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने का जो एक मकसद है पूरा हो। इसलिए हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि गर्मियों में सजग रहें, सतर्क रहें और गर्मी का आनंद उठाएँ, कुल्फी खाएँ, ठंडा खाएँ और आराम से चलें, मगर सावधान होशियार इन सब चीज़ों के साथ ध्यान में रख कर। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।